वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं लास्ट पार्ट है कि पुली गॉट रेप का। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई थी, विमेन को क्यों के उसमें माम और सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, और जो बुमबुम और काया था उनको उनकी किए की सजा मिल गई थी। और तो चलिए अब देखते हैं हम आगे का सीन। तो अब हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा 5 ईयर्स लेटर के, और अब हम सीन देखते हैं कि ये कब अब इन सब की ग्रेजुएशन हो चुकी है, और जो यूंगी है वो किम तेयोंग, जियो जंगकुक और पार्क जिमिन से मैरिड है, हैप्पीली मैरिड है, और वो 5 ईयर्स से ही मैरिड है। मतलब जिस दिन उन्होंने काय बुम को सजा दी थी जो उनके साथ सब कुछ किया था, तो उसके बाद उन्होंने काय बुम का जो बिजनेस था जिनका उनको बहुत फख्र था, खुद पे बहुत प्राइड और प्राउड था, तो उनको उसने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि सबसे बड़े इन्वेस्टर्स उनके कंपनी में इन्हीं के फादर्स थे। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फादर से कह के इनसे हटवा ली, और तो फिर वो बिल्कुल मतलब वो कहीं के नहीं रहे, वो बिल्कुल सड़क पे आ गए जैसे बिल्कुल, और उनको पछता रहे थे। और उसी के 3 मंथ्स बाद इन तीनों ने मैरिज कर ली थी चारों ने, और अब वो एक हैप्पीली मैरिड कपल थे। और अब हम सीन देखते हैं इनके घर का, जहाँ पे हम देखते हैं कि आवाज़ आ रही होती है, एंजल बेबी एंजल कहाँ, देखो मामा तुम्हें कितना ढूंढ रही है, तुम आ नहीं रही, मामा को कितना तंग कर रही है, मामा को बाकियों को भी देखना है, तुम्हारे ब्रदर्स को भी देखना, देखो तुम कितनी गंदी बच्ची बनती जा रही है, इस तरह बोलते। तो फिर ना पीछे से कोई प्यारी सी बच्ची आती है और ये कह के यूंगी, और वो यूंगी को हाँ कर देती है और कहती है, मम्मा मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्यारी सी एंजल हूँ ना, बेबी एंजल, अरे हाँ तुम मेरी बेबी एंजल हो। यूंगी कहता है कि हाँ तुम मेरी बेबी एंजल हो और सबसे प्यारी तुम हो, तुम मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। कहते हाँ, कहते कि ना बस एक तुम्हारे तीनों ब्रदर वो मुझे तंग करते हैं, कहते मम्मा आपको तो पता है ना वो तो अभी छोटे बच्चे हैं, कहते हाँ वो छोटे बच्चे हैं और तुम तो बड़ी होगी, तुम भी मुझे तंग करने लगी हो, गंदी बच्ची हो तुम। फिर कहते मम्मा इस तरह ना क्यूट सा पाउडर बनाती है। तो फिर यूंगी होता है वो स्माइल करता है और फिर ना उसके फोरहेड पे किस करता है, और पीछे से आवाज़ आती कहती क्या हुआ हमारी बेबी एंजल को, प्रिंसेस को। तो फिर जो एंजल होती है वो एक्चुअली होती है जब यूंगी का रेप हुआ होता है, तो वो जब यूंगी प्रेग्नेंट हो गया था तो ये उस वो चाइल्ड है। और अब हम आगे ऐसे देखते हैं तो वो जाती है और कहती फादर्स केयर के विमिन कुक को हक कर लेती है, और कहती है देखे ना मम्मा मुझे कह रही मैं गंदी बच्ची हूँ। तो फिर कहती है नहीं मम्मा आपके साथ मजाक कर रही हैं, आप तो बहुत अच्छी प्रिंसेस, बहुत प्यारी एंजल हो, आप तो हमारी प्रिटी प्रिंसेस हो ना। तो फिर वो कहती है यस फादर्स। तो फिर ना स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं आज हम तुम्हारे बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आए हैं, कहते थैंक यू, कहते हम मेरा बैग कार में पड़ा हुआ जा लिया, कहते ठीक है। और वो चली जाती है वो वहाँ से अपने कार में से अपनी चॉकलेट्स लेने के लिए, बैग लेने के लिए। और फिर ना वो तीनों यूंगी के पास आते हैं, जो पहले आते हैं जिमिन, और वो यूंगी के आईज फॉर हेड चिक्स नोस, उसके बाद लिप्स पे किस करता है, और जो तेयोंग होता है वो उसकी नेक पे किस करता है, दोनों साइड पे ही किस बनाने के बाद, फिर उसके लिप्स पे किस करता है, और जो जंगकुक होता है उसकी वेस्ट को उसने हक किया हुआ तक, जब ये दोनों यूंगी को किस कर रहे थे, उसके बाद फिर वो वेस्ट को, फिर वो वेस्ट से यूंगी को फुल टर्न कर देता है और अपनी तरफ करता है और उसकी तरफ ना और उसी तरफ देखते हैं, और फिर उसके लिप्स को बाइट करता है और फिर उस पर बहुत पैशनेट डीप किस करने लग जाता है। और 5 मिनट के बाद वो हटते हैं और फिर तीन एक दूसरे पे स्माइल, चार एक दूसरे पे स्माइल करते हैं। और फिर यूंगी कहते आज आपका दिन कैसे क्या तुम तीनों का, तो फिर कहते आज हमने तुम्हें बस बहुत मिस किया, कहते आप कहते तुम तीन हमेशा यही कहते हैं। तो फिर कहते हैं हाँ तो इतनी जिसकी इतनी प्यारी वाइफ होगी तो उसको कौन मिस नहीं करेगा। तो फिर ये बोलते और जो यूंगी होते हैं वो ब्लश करने लगे, और उसी वक्त हमें 3 बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, और 3 बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। तो यूंगी कहते हैं देखो तुम्हारे बेबीज उठ गए तुम तीनों के। तो फिर कह के ना वो वहाँ से चले जाते हैं, और वो तीनों होते हैं वो स्माइल करते हैं, और जैसे ही आते हैं रूम में देखते हैं वो तो 3 बेबी बॉयज होते हैं, एक जो होता है उसमें से चुप हो चुका होता है, पहले 3 रोड़े होते हैं तो एक्चुअली उसको खेलना था। तो फिर यूंगी ने जैसे उसको उठा के बिठा दिया और फिर वो खेलने लगे, वो था 3 ईयर्स के बेबीज थे वो, तो वो खेलने लगे और जो बाकी दो थे उनको भूख लगी थी, तो यूंगी ने अपनी टी शर्ट उतार दी और उन दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगा था। अभी भी वो 3 ईयर्स होने के बाद वो जो थी वो ब्रेस्ट फीडिंग करते थे, लेकिन कभी कभार यूंगी कराता था उनको बहुत कम, ताकि जिसे उनको बहुत ज़्यादा आदत ना पड़े, तो इसलिए तो उनको करा रहा था। और तो जो यूंगी होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा होता है तो उन तीनों की आईज उसके चेस्ट पे जाती है मिलके, सॉफ्ट स्किन पे, और जिनको देख के वो अपने आप को बहुत ही अराउज्ड फील करते हैं। और फिर ना अपनी तरफ देखते हैं, फिर यूंगी की तरफ देखते हैं, तो फिर यूंगी बच्चों के साथ खेलने में ही मसरूफ होता है, उनको उनकी टेक केयर करने में, तो फिर वो उन पर ध्यान नहीं देते। और फिर ना जो जिमिन होते कहते हैं मेरी तो प्रॉब्लम हो गई, तो फिर ना तेयर को दोनों वो कहते हैं हमारी भी, तो फिर ना तीनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे की प्राइवेट पार्ट्स को देखते हैं, फिर यूंगी की तरफ देखते हैं। तो फिर वो ना कुछ टाइम बाद वो जो बेबीज होते हैं वो सो जाते हैं, और जो खेल रहा था उसको भी यूंगी फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा के उसको भी सुला देता है।
और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर जब डिनर रेडी हो जाता है, युंगी ने रेडी पहले से किया था क्योंकि रात का ही टाइम था, तो जैसे प्रेस वो कर लेता है, सब डिनर भी कर लेते हैं, और फिर वो एंजल को उसके रूम में सुला के आता है और उन तीनों बेबीज को भी रूम में सुला के आता है। उसके बाद वो उनको रूम में सुला के फिर आता है और देखता है कि जो ये तीनों हैं ये बात लेके आ चुके हैं और तीनों ही फुल ड्रॉप में बैठे हुए हैं, मतलब बाथ ड्रॉप में बैठे हुए हैं, लेकिन जो है उनके कुछ शोल्डर से कुछ हटा हुआ है, कोई लाइक से जिसको देखिए ना जो यूँ ही होता है वो भी ना थोड़ा हॉट फील करने लगता है, लेकिन वो ना इस चीज़ को इग्नोर करने लगता है। और फिर ना साइड से जैसे गुजरने वाला होता है तो जो जीवन होता है वो उसकी वेस्ट को पकड़ते और उसको बेड पर गिरा देता और उसके ऊपर आ जाते, कहते बेबी बॉय कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, कहते मैं वो एक्चुअली मैं ना मुझे नहीं था मैं सुन जा रहा, कहते बट बेबी बॉय तुम्हें पता है हम काफ़ी देर से जब से हम आए हैं तुम्हें वो अपने हमें बच्चों को फीडिंग करते हैं देखे ना अब तब से हम अराउंड हैं, तो फिर ना वो शौक हो जाते हैं, कहते हैं क्या, कहते हैं हाँ तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, कहते बट यूँ कहते हैं ना नहीं मैं फिर से प्रेगनेंट नहीं होना चाहता, पहले तुम्हारे चार बच्चे मुझे पता करते हैं, कहते हैं ना बेबी हम तुम्हारी केयर रखेंगे, केयर हम भी करेंगे, अब जो हम तुम्हारे साथ मदद करेंगे प्लीज़, कहते हैं नहीं मुझे ये करना, कहते अच्छा ठीक है हम ना प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, कहते बट कहते हैं तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसको अपने किस से चुप करा देता है और यूंगी भी किस करने लग जाता है। उसके बाद फिर जो जिमिन होता है वो उसकी नेक पे आ जाता है और उसकी शर्ट ओपन करने लग जाता है और उसके जो चेस्ट पे किस करा होता है और फिर उसके जो निकल जाता है उसको सक करने लग जाता है जो, और उसके बाद फिर ना वहाँ से मिल्क निकलने लगता है और फिर वहाँ वही मिल्क सक करने लग जाता है, और फिर होता है ये देखिए जो त्यांग होता है उसे कंट्रोल होता नहीं और वो भी दूसरे निपल पे अटैक कर देता है और वो भी ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाता है, और जो जो युंगी होता है वो बहुत जोर जोर से मोहन कर रहा होता है, और फिर जब ये चीज़ जिनको देखते हैं तो वो फौरन आता है उसकी नेक पे किस करने लग जाता है और उसको फुल नेकेड कर देता है, उसके आ जाता है इनर थाइस में और वहाँ किस करने लग जाता है, और फिर उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके साथ नोटी थिंग्स करता है, उसको मुँह में लेता है और ऐसा करने लग जाता है जिससे जो यूँगी होता है उसको ट्रिपल प्लेजर फील हो रहा होता है, वो बहुत ज़ोर जोर से मैन कर रहा होता है। और उसके बाद फिर जो जंकुक होता है वो बगैर बताए चुंकी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं जिससे यूँगी बहुत ज़ोर से चीख मारते हैं, जिससे ना जो तेंग और जिमिन होते हैं वो भी ना देखने लग जाते हैं जंकुक को, जब देखते हैं जंकुक उसके साथ सेक्स कर रहा है तो फिर वो वापस से ना ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाते हैं और फिर ना साथ साथ केस भी कर रहे थे, और यूँगी को जिससे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है और वो बहुत जोर जोर से मैन कर रहा था। और उसके कुछ टाइम बाद जब जंकुक सेटिस्फाई हो जाता है वो हटते हैं और फिर जिमिन को कहते हैं जिमिन अब तो माँ आ जाओ, तो फिर ना जिमिन हटते हैं और अभी भी तेंग जो था ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था, लेकिन वो जिस तरह यूँगी के बॉडी पर हाथ मारा था यूँगी को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है, और फिर जंकुक आता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और उसके बाद फिर जो तेंग होता है वो हटते हैं और फिर ना नेक पे किस करने लग जाता है यूँगी की, उसके उसको लिप्स पे किस कर रहा होता है, उसके पूरी बॉडी पे किस कर रहा होता है, उसको हिकीज बना रहा है, और फिर ऐसे ही ये स्विच करते हैं, और फिर जैसे जिमिन हो जाता है सेटिस्फाई तो तेंग आ जाता है, जैसे ही तेंग आता है तो फिर ना जो यूँगी होता है वो तेंग से डर जाते, कहते हैं तेंग प्लीज सेंटर रहना, तो फिर ना वो स्माइल करता है, तो फिर ना तेंग और वो एक्चुअली जो तेंग था जब भी उसके बारी आती थी तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड और रफ करता था, जिसकी वजह से यूँगी उससे डरता था और उसको जेंटल रहने का हमेशा कहता था, लेकिन जिस दिन भी वो जेंटल रहने का कहता तो उस दिन तेंग और भी ज़ोर से करता था, जिसकी वजह से यूँगी हमेशा बाद में पछताता है उसको जेंटल रहने के कहने के लिए। और इसी तरह फिर जब तीनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर हटते हैं और फिर यूँगी जो देखते हैं तो फिर वो स्माइल कर रहा होता है, और फिर ना अनकॉन्शियस स्टेट में होता है लेकिन फिर भी ना स्माइल कर रहा होता है, मतलब खाने वाला होता है अनकॉन्शियस, तो फिर ना वो तीनों स्माइल करते हैं, यूँगी को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर खुद शावर लेके आते हैं, तो देखते हैं कि जो यूँगी होता है वो पहले सो चुके होते हैं, तो उसको वो उसके नाइट वेयर पहनाते हैं और फिर उसी को हक करके सो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारा EFF खत्म हो गया, ब्लड गॉड ट्रिप, तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।